हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैंड ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने पीच कलर की वूल ली है और ये 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले मैं 15 चेन्स डालूंगी। ये पहले मैंने नोट लगाया, अब 15 चेन्स डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब मैं इसमें डबल क्रोशिया डालूँगी। फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से हमने डबल क्रोशिया लेना है। ये मैं हर चेन में डबल क्रोशिया लूँगी। 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5। हर चेन में मैंने डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए मेरी 15 चेन्स होगी। ये फिर से मैंने फर्स्ट वाले में से डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे ही मैं इसकी 13 लाइंस बनाऊंगी। ये मैं 13 लाइंस कंप्लीट करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, हर चेन में से मैंने डबल क्रोशिया लेना फिर से और इसकी 13 चेन्स बनानी है, 13 लाइंस बनानी है। ये देखिए, मैंने 13 लाइन डाल ली हैं। अब मैं इसको बंद करूँगी। ये उल्टी साइड से हम इसको बंद करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड से इसको हम ऐसे इसको बंद करेंगे। हम इसकी ये साइड लेंगे। इसको हम हाफ स्टिच साथ बंद करेंगे। इसको ये दोनों साइड से हम चेन पकड़ेंगे। जैसे दोनों साइड से चेन पकड़ी, ऐसे इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे। लास्ट तक हम इसको ऐसे ही स्टिच करेंगे।
अब इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे, देखिए ऐसे हमारी ये बाजू आ जाएगी। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे इसको, जहाँ से हमने सिला इधर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये पहले मैं नोट लगा लिया, अब इसको हम उसी होल में डालेंगे। हाफ स्टिच साथ हम इसको हाफ डबल क्रोशिया साथ इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया साथ हम इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। ऐसे ये हमारा लास्ट तक जाएगा, ये देखिए लास्ट तक में आ गई। हम इसको इधर से बंद करेंगे। अब मैं अपना डिज़ाइन शुरू करूँगी। ये मैंने फर्स्ट वाली चेन छोड़ देनी है, नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया लेना है, एक दो और ये तीन, तीन बार डबल क्रोशिया लिया। और जो हमारी ये फर्स्ट वाली चेन है इसमें से मैंने इसको पीछे से लेके जाना है, ये देखिए ऐसे इसको मैंने पीछे से लेके जाना है, ये देखिए ऐसे हमारा ये डिज़ाइन आएगा। फिर नेक्स्ट मैंने फर्स्ट वाली चेन छोड़ देनी है, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। और जो फर्स्ट वाली चेन हमने छोड़ी थी ये वाली, तो इसमें हम पीछे से लेंगे, इसको आगे से लेंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ये डिज़ाइन आएगा। मैंने ये वाले डिज़ाइन की वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट फेज से हमने फर्स्ट वाली चेन छोड़नी है और नेक्स्ट में से डबल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे तीन बार डबल क्रोशिया हर एक चेन में से। और जो फर्स्ट वाली छोड़ी है उसमें से फिर से आगे से हमने इसको उठाना है, ये देखिए अब मैं थंब तक आपको ये वाला बनाना सिखा बताती हूँ बता के। जैसे कि ये मेरा थंब वाला बना हुआ है, मैं इधर तक ये हमने सीधा ही इधर तक जाना, हमने कोई भी इंक्रीज़ और ना ही कम करना ना ही बढ़ाना है, इधर तक मैंने ऐसे ही बनाना है इसको थंब तक। ये मैंने फाइव लाइन इसकी कंप्लीट कर ली है, एक दो तीन चार और ये पाँच। अब मैं थंब के लिए थंब बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये दोनों साइड से मैंने एक ये वाला और एक ये लास्ट वाला, इन दोनों को मैंने जोड़ के इधर, पहले मैंने इधर हाफ डबल क्रोशिया डाला, फिर इसको मैं इधर से बंद करूँगी। अब ये मेरा साइड पे थंब निकल आया, ये बन गया थंब और मैं अब आगे ये स्टार्ट करूँगी। ये मैंने फिंगरलेस बनाया हुआ है, दो तीन, ये तीन बार डबल क्रोशिया
और जो फर्स्ट वाला ये चेन छोड़ी उसके आगे से मैंने ऐसे उठाना है। ये तीन लास्ट में फिर से ऐसे ये हमने लास्ट तक अब ऐसे ही अपना हैंड कंप्लीट करेंगे ये वाला। अब हम लास्ट फिंगर्स तक ऐसे ही जाएंगे। दो और ये तीन, ऐसे। अब हम इसको इधर से टर्न ले लेंगे। फिर से हमने वैसे ही सेम प्रोसीजर करना। अब हम ये हमारा थंब हो गया, अब हम सीधा इसको सीधा लेके जाएंगे। मैं 5 लाइन इसकी ऊपर डालूँगी, लास्ट तक ऐसे ही बनाऊँगी मैं। ये देखिए मेरा लास्ट तक ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इधर इसके साथ बंद करूँगी, फर्स्ट चेन में से लेके हाफ स्टिच साथ बंद करूँगी। अब मैं सीधे साथ वूल को काट दूंगी। ये देखिए अब मैं जो वूल को अंदर की तरफ ले लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरे ग्लव्स बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।